मुस्तफ़ा उठो, आपके पापा वेट कर रहे हैं। उठो, शाबाश, ट्यूशन जाना, उठो 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 जल्द। यहाँ पर सुबह सुबह उठते ही आयत को जाना नगेट्स खाने, इतना टाइम से नगेट्स नहीं मिले ना। नगेट्स की याद आई हुई थी, हाँ केचप और नगेट्स, और साथ में देखो दूध वाले को भी फोन कर दिया था रात में, सुबह सुबह दूध दे कर गए, चाय बनी है और फिलहाल हाँ। और हमारे घर पे देखो लाइट भी नहीं है, अभी हो रही है यहाँ पर पोछे की तैयारी, और यहाँ पर सब कुछ मैंने निकाल के रखा कि नीचे फर्श बहुत गंदा हो रहा है। आज पहला दिन है तो आज तो मैं ये सब कुछ अनीता को समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे सब कुछ डालना है, और फिर देखो दो चार दिन उसको भी फिलहाल बताना पड़ेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल गर्म पानी मैंने खोला हुआ, कब से ये पोछा ऐसे ही पड़ा हुआ था ताकि अच्छे से जो है ना ये साफ हो जाए। खाने में क्या बना रहे हैं? खाने में अम्मी कब तक पहुँचेंगी? शाम तक लेट है, 4 घंटे। सुबह सारे फ्रूट और सब्जियां, लेमन देखो इतने सारे लेकर आ गए, तो इन सबको भी अभी वॉश करके रखना है, इन सारी सब्जियों को। आज मैं सोच रही हूँ आलू मटर ले आए ना, आलू मटर पका ले। ये देखो सुबह सुबह आज मैंने यहाँ पर ना हीटर मंगवा लिए, इतना ज्यादा ठंड है, फर्श ऐसा बर्फ बना हुआ है, तो मैंने उठते ही पहले ये हीटर मंगवाया है। तो दो ये वाले है और तीसरा ये वाला, ये इलेक्ट्रिक है और ये गैस वाले। अभी तो लाइट गई हुई, अभी इनका सारा ये सेट करेंगे। मैं अपने रूम का मंगाया है एक, जैसे बाहर यहाँ डाइनिंग एरिया का यहाँ का मंगाया है, और एक अम्मी के रूम का मंगाया है। कल नोबिता साथ वाले गार्डन पे जा रहा था, उधर इतना बड़ा मेला बैठा था, उसने जैसे नोबिता के सामने आया नोबिता पीछे ऐसे दो बारी घूम घूम के जाके लेट गया। नोबिता डर गया था। चलो चलो बाय बाय। तो दोनों गाड़ियाँ हमारी बाहर चली गई, अभी कितना खुला लग रहा है यहाँ पर, इतना ज्यादा माशाल्लाह से। रात ना अंधेरे में इतना पता नहीं चल रहा था। सीजर से काटना, सीजर से काटना, सीजर से काटे, छुरी से नहीं काट सकते, नीचे से काटेंगे ताकि वापस एक एक ऐसे पकड़ के ना सीजर से ऐसे काट करो, आराम से सही कट हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया माशाल्लाह से, इतना छोटा छोटा था लहसुन भी, लेकिन धनिया कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बड़ा हो गया कि पूरा नीचे अब गिर रहा है नीचे की तरफ, तब थोड़ा सा इसको काटना पड़ेगा। बस ये है कि हम अपने नेबर्स को बोल कर गए थे तो पानी वानी देते रहे, इस वजह से ये फ्रेश है। लहसुन भी देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया। हाँ बड़ी गाड़ी खड़ी कर रहे हो, अम्मी को लेने जाना है? हाँ अभी तो बस इधर ही रहना है, बाहर नहीं भागना। रहा अंदर, चलो अंदर नहीं जा रहा। नोबिता पूरा गाँव घूम घूम के आए, दिल नहीं भरा? हाँ अभी तक दिल नहीं भरा, सामने देखो। चलो 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 चलो। और देखो यहाँ से झाड़ू पोछा लग चुका है, अनीता को मैंने समझा, उसने आज पहला दिन आज कुछ ऐसा किया है। देखो सारे अलमारियों के कपड़े भी बाहर आए, उन सबको कुछ लपेटा है, अभी कुछ अंदर रखने हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी हमारी जो है ना घर की साफ सफाइयाँ हो रही हैं। और यहाँ का देखो एक चीज तो मैं भूल गई, इस साइड पर जो है ना पानी नहीं लगता रहा। हम जब गए थे ना तो ये वाला रूम का जो डोर था ना ये लॉक करके गए थे, तो ये लॉक था। हमारे नेबर्स को जो हम चाबियां देकर गए थे, इस रूम की चाबियां नहीं थी उनके पास, तो इस वजह से बालकनी में ना ही कोई आया और ना ही पानी लगा। और ये शुक्र है कि फिर भी इतना टाइम तक ये कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन काफी इस साइड वाले सूख गए हैं, इतना हरा भरा था ये भी सूख गया है, ये सारी लाइन से ये वाले सूखे हैं। आज हम पार्क भी जाएंगे, अम्मी आज हम फिर जाएंगे पार्क में। चलो पहले मैं अलमारी बना लूँ, मैंने नीचे से सबसे पहले शुरुआत की है, यहाँ नीचे के कपड़ों से वाले सारे ऊपर नीचे हुए हैं, क्योंकि जब निकलने का टाइम था यहाँ से जाने का, सारे कपड़े ये निकाल के वो निकाल के तो सब फैल गए, देखो ऊपर नीचे हो गए। और एंड में वॉशरूम रह गया, अभी वॉशरूम भी धुलेगा, बाकी ये वाली साइड भी सारी। आज मुझे लगता है पूरा दिन मेरा ना सफाई में ही जाने वाला। ये प्लांट भी देखो, इसको भी पानी नहीं लगा, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ये वाली डंडी इसकी निकालनी पड़ेगी। फिर भी बच गए हैं, टाइम पर पहुंच गए। अगर हम 4-5 दिन और रहते तो शायद ये और मजीद सूख जाते। इतना टाइम लगा है, कब से इन कपड़ों में मैं लगी हूँ, जो भी सारे कपड़े थे ना सारे यहाँ से हटाए, लपेटे, जो बैग में रखने थे बैग में रखे। और टाइम देखो अभी शाम हो गई, इतना ज्यादा कपड़े थे ना खत्म ही नहीं हो रहे थे। बाकी तो पूरा रूम साफ हो गया है, इसके अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। जो आयत ने काम किया था ना, मस्कारा लगाया था, ब्लीच से पता नहीं किस चीज से ये जाएगा, वरना ऐसे तो मैं कुछ भी लगाती हूँ ना, देखो यहाँ से थोड़ा सा साफ किया है तो ये और फैल रहा है और गंदा हो रहा है। बहुत ज्यादा थक गई थी, कुछ कपड़े यहाँ रखे हैं और कुछ बैग में आए हैं, तो अब बाकी बनाऊंगी। ये देखो नहा धो के फ्रेश होके मैं रेडी हो गई हूँ, ठंड लग रही थी ऊपर से। आज मैंने ऐसा बड़ा वाला लॉन्ग जो मेरा कोट था वो मैंने निकाल के पहन लिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए, रात से ही पहुंचे थे और फिर सुबह लेट तक सोए रहे, और आज पूरा दिन ना साफ सफाई में लग गया। मैं साथ में अनीता को तो लेकर आई हूँ, लेकिन अनीता को जो है ना अब फिलहाल वो जैसे गांव में काम करते हैं ना, तो उसको यहाँ का आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कैसे साफ सफाई होती है। तो आज पूरा दिन मैं उसको समझाने में, बल्कि मैं साथ साथ करती गई हूँ और वो देखती गई है, यहाँ तक कि बेडशीट ये सब कुछ, मैंने बेडशीट भी नहीं लगानी आ रही थी, मतलब सीधा सीधा जैसे चादर बिछाते हैं ना उसने ऐसे चादर बिछाई है, तो बेडशीट सारा कुछ
उसको आज मैंने सिखाया है, अब उसको एक हफ्ता तकरीबन लगेगा, सीख जाएगी, घर की रूटीन सब समझ जाएगी, तो फिर टेंशन नहीं होगी, फिर ऐसा ऐसा उसको भी आदत पड़ जाएगी सारी साफ सफाइयों की। मम्मी भी पहुंचती ही होंगी, तो अम्मी को भी लेने के लिए जाना है, थोड़ा बहुत बाहर से सामान लेना वो जल्दी से लेकर, फिर अम्मी को स्टेशन जाना है लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, क्योंकि इतना जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, इतना जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, दिल से थैंक यू सो मच। घर आकर ना सुकून भी मिला, फ्रेश भी हो गई हूँ, और आपसे जो है ना ऐसा लगता है मैं अब बात कर रही हूँ। जब से मुझे लगे मैं शादी में गई थी, मैं कहीं गुम हो गई थी, और अब जाकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आमने सामने बात कर रहे हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर से रिलेटेड आपके बहुत सारे कमेंट हैं कि वहाँ पे सेलिब्रेट करो, 15 दिन सेलिब्रेशन करना, तो इनशाला 15 दिन सेलिब्रेशन करेंगे 1 मिलियन की, पूरे 15 दिन इनशाला सेलिब्रेशन करेंगे, और जो लास्ट में होगी वो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी। उससे पहले मुझे बहुत सारी जगहों पर इधर उधर जाना है सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो सब एक सरप्राइज आप सब देखना, डिफरेंट करेंगे, अलग करेंगे, खूबसूरत करेंगे, प्यारी मेमोरी बनाएंगे, कि 1 मिलियन ना सब्सक्राइबर आसानी से नहीं हुआ, अच्छा खासा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हुआ है, बहुत मुश्किल सफ़र था मेरा यहाँ तक। आप सब ने सच में मुझे मेरा बहुत साथ दिया, मैं कहती हूँ मेरी फैमिली में भी सबसे ज़्यादा मेरे हर एक काम को आप सब अप्रिशिएट करते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते हो, मैं जो भी करती हूँ आप सब मुझे बहुत प्यार देते हो, तो थैंक यू सो मच। आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और इंशाल्लाह बहुत मजे मजे की सेलिब्रेशन करेंगे। ये कोट अच्छा लग रहा है? हाँ, ये सही है। कोट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस कोट की ना हालत बुरी हो गई है, ये वो गाँव में ना जैसे रजाई में पहन के सो जाते थे, तो सारे इस पे क्रीज पड़ गए, ये देखो है ना। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। पता है मुझे सबने कमेंट क्या किया कि मैं अभी बहुत पतली हुई हूँ। वो तो हुई ना, वही है बहुत ज्यादा। चलो बहुत सारी बातें होगी, अम्मी को लेने के लिए चलते हैं। चलो आज मेरा व्लॉग मेरे हस्बैंड बनाएंगे। आज ना मैं काम कर करके थक गई हूँ, बाजू में दर्द हो रहा है। चलो चलो, मैं ये गाँव अगर ले जाता ना, इसकी हालत खराब हो जाती। चलो बच गया ना, यहाँ पर छोड़ कर गए थे। ट्रैक ये की इस पर ना हर एक चीज बहुत जल्दी से पकड़ती है। नीचे तो मुस्तफा गर्म हुआ हुआ है। हाँ ये देखो, यहाँ पर हीटर ऑन कर दिया, तो इतना ठंडा था ना, आप देखो कैसा गर्म हो रहा है। बाहर का है, अम्मी के रूम का एक और है। अम्मी के रूम में आपका कान गर्म हो गया, तो थोड़े से हाथ भी सेक लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे आग लगाई हो। अच्छा आयत को तो खैर नींद आ गया, आयत सो गई है, ट्यूशन गए थे ना, तो आज जल्दी टाइम से सोए। बड़ी गाड़ी पर चलेंगे और किस पे चलेंगे, आप भी मजाक कर रहे हो मेरे साथ। हाँ पता भी है कि अम्मी को लेने के लिए जा रहे हैं, सामान भी होगा, तो बड़ी गाड़ी से ही चलेंगे। आयत कह रही थी ये क्यों लेके आए हो छोटी गाड़ी? कब? अभी जब लेने गया था ट्यूशन से। हाँ। नाराज हो रही थी। हाँ। अब हमारी आयत को भी पता चल गया, कहती है मम्मा बड़ी गाड़ी पे जाना है। स्कूल भी लेने जाओ ना बच्चों को छोटी पे, तो कहती है और कोई बोले ना बोले आयत जरूर बोलेगी, बड़ी क्यों नहीं लेकर। लगता है कोई जमाना हुआ है, मैंने ये लाइटिंग नहीं देखी, इतना टाइम से गाँव में थे ना, तो शहर देखा ही नहीं। वैसे शादी पे हमने मजा लगाया ना। हाँ, इस दफा मेरा बता, मैं डांस भी करती रही हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा। शादी है शायद यहाँ पर, ये देखो शादियों का सीजन देखो खत्म नहीं हुआ। जितने भी सारे फंक्शन थे ना, इन सारे फंक्शन में मैं किस दिन ज्यादा अच्छी लगी थी, किस दिन ज्यादा अच्छे से रेडी हुई थी? तीनों फंक्शन में। इन तीनों में से एक को ज्यादा नंबर दोगे तो कौन सा? बारात। बारात वाला तो मैं क्वीन बनी थी। yes. तो गाइज मेरे हस्बैंड ने ना मुझे सबसे ज्यादा उसी पर नंबर दिया। आप सब भी नंबर देना तीनों में, मायों, मेहंदी और बारात और वलीमा। इस कवाली नाइट थी। हाँ। वो भी उसमें भी बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, कवाली नाइट या बारात, दोनों में से एक। वैसे तो बारात, वो जो ब्लैक पहना था लहंगा चोली। तो देखो अभी हम स्टेशन पहुंच गए, मुझे वो कराची वाला स्टेशन याद आ रहा है, ये काफी अलग है ना वहाँ से। आज रश भी नहीं है ना ज्यादा, और जो कराची का स्टेशन है ना वहाँ पे ना इतना ज्यादा हर टाइम रात दिन वहाँ बहुत रश होता है। ठंड कितना ज्यादा है, वो गाड़ी में बैठे रहे ना तो पता नहीं चला। इसके बगैर हम एंट्री नहीं कर सकते वापसी पे। पूरा स्टेशन भी खाली है, कुछ कुछ लोग बस यहाँ पर बैठे हैं, शायद दूसरी साइड से ना हो, इस साइड पर नहीं है। लो, इतनी ज्यादा ठंड है, अम्मी को तो बहुत ठंड लगी हुई होगी। रश देखो दूसरी साइड से, उस साइड से बिल्कुल भी कोई नहीं था, इस साइड से देखो माशाल्लाह काफी ज्यादा रश है। पता नहीं कौन सी साइड से बैठी अम्मी। अम्मी बहुत ज्यादा था, इस वजह से टाइम लग गया, रश काफी ज्यादा था, फिर ये सर्दी बहुत। ठंड कैसी अम्मी? बस चलें गाड़ी में। कैसी है, ठीक हो? पहुंच गई जी।
चलो चले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस बात की? नाई की सिर। खैर मुबारक, चलो अब घर चले। आराम आराम से आए। इसी में आए थे? इसी में आए थे या कोई और थे? अम्मी खाना कब खाया था? ट्रेन में खाना सही मिला था? ट्रेन में खाना नहीं सही मिला। नहीं सही मिला? नहीं। कब खाया था? 4 बजे। 4 बजे खाए? हाँ। तो काफी टाइम हो गया, पहले चल के खाना खाते हैं। ज्यादा है कि हाथ भी काम नहीं कर रहा। शहजादी कितनी याद आई अम्मा की? एक दिन में बहुत ज्यादा याद आ गई। एक रात में मुस्तफा कितनी आयत आयत को देखो। अम्मी आयत देखो, चोरी चोरी देख रही है। अम्मी आयत ने दरवाजा बंद कर दिया खुशी से। आयत आयत अम्मा आ गई, खोलो अम्मा आ गई है। अम्मा आ गई है आयत। अम्मी अभी शर्मा रही है, शर्माएगी अभी। ये देखो हाँ। मैं अच्छा अम्मा जा रही है। देखो सबसे पहले अम्मी आई है किचन देखने। मुझे देखो किचन को, कब से अम्मी ऐसे किचन छोड़ के गए थे तो सबसे पहले अम्मी किचन देखने आई है। ये अम्मी वो सब्ज चाहिए, इलायची वाला जायका आता है इससे। जब वे डालते थे ना नहीं अम्मी, वहाँ पर याद थे ना, ये केक हम वहीं से लाए। देखो गांव के हैं ये और इनका जायका बहुत अच्छा है। आपके लिए मैंने नई रजाई लेकर रखी है। रात को अम्मी ब्लैंकेट पहना था, इतनी ठंड लग रही थी, उसमें नए निकाले फिर भी उसमें इतनी ठंड थी। कराची में ना हम ब्लैंकेट पहनते रहे ना तो वहाँ पे तो पता नहीं चलता था। कराची में नहीं होती ठंड, यहाँ पर ना मोटे वाले ब्लैंकेट मैंने निकाले उसमें भी ठंड लग रही थी। ये नई रजाइयाँ ली हैं, ये देखो मोटी वाली। अम्मी के लिए ली अम्मी, एक आपके रूम के लिए और दो ऊपर। मेरी करीब है ना इसीलिए। चलो अभी मैंने नीता को बोला कि चाय रख रही, बहुत ज्यादा ठंड में हम आए, वैसे खाना हम बाहर से खा कर आए। अम्मी को साथ में दूल्हा दुल्हन थे, उनको भी मैंने रास्ते से ही खाना वाना खिला दिया। गैस भी हल्का आ रहा था और अभी तो बिल्कुल जा चुका है, बिल्कुल भी गैस नहीं है। और चाय भी देखो हमने यहाँ पर रखी है, तो यहाँ पर इलायची वाली मजेदार गर्मा गर्म चाय बन रही है। और बस खाना तो बाहर से खा लिया, अब सिर्फ चाय पियेंगे। चलो मुस्तफा को मैं सबसे पहले सुलाने आई हूँ, क्योंकि मुस्तफा का है सुबह पेपर। और देखो हीटर, यहाँ हीटर को देखो मैंने अपने मैट्रेस के पास ही रखा हुआ है, इतना पास। ये खैर बहुत ज्यादा पास पड़ा है, थोड़ा इसको दूर रखेंगे। सबके बिस्तर लग चुके हैं। ये वाली थी सेम रजाई जैसे मैंने अम्मी के लिए, ऐसी ही अपने लिए भी लिए, दो लिए ऐसी सेम एक जैसी ली है। आप नीचे सो रहे हो या ऊपर? ऊपर सो रहे। मुस्तफा हमेशा अपने बेड पर सोता है, बाकी हम सब बच्चों के साथ नीचे होते हैं। शाबाश, बेड को कितना गंदा बना। जाओ मुस्तफा टाइम पर सोना, सुबह आपका पेपर है। मैं सो रही हूँ ना, इस वजह से ऊपर आई हूँ। जैसे उठाओ ना ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद भी हो जाता है, इसको जैसे नीचे रखो खुद ब खुद देखो ऑन हो जाता है। ये पूरा घूमता भी है, पता नहीं कहाँ से ये वाला। मैं एक जगह पर रख दो ना पूरे रूम में ऐसे घूमता रहेगा फैन की तरह। अब इस साइड पर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब सुकून भी मिल गया। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। अम्मी भी थकी हुई है इतना लंबा सफर करके, अम्मी रेस्ट कर रही हैं। रात को ही आकर पहुंचे तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में सेट हो जाएंगे। सुबह मुस्तफा का पेपर, इस वजह से इसको भी सुलाना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस। आज आज तो अम्मा के मजे हो रहे हैं एकदम हीटर के सामने।